स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का एक बार फिर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। तो दोस्तों, यहाँ पर एसएससी सीजीएल का फाइनली नोटिस आ चुका है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है एंड एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट्स भी बता रखी है। तो इन शॉर्ट ये सारी प्रोसेस जो होने वाली, किस तरह होने वाली, क्या स्कीम है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होगी, क्या पोस्टें होने वाली है, तो सभी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होंगे इस नोटिस के लेकर जो आपने नहीं पढ़े होंगे तो वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर साथ बनाइए रखिएगा एंड देखिए इस एग्ज़ाम को किस तरह से फॉलो किया जाता है एंड क्या प्रोसीजर होता है, उसके बाद आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। जो नए हैं, उन जिनको कुछ नहीं पता वो तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा जो होगा वो आप लोगों को जरूर पढ़ना है एंड कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप लोगों को पूछना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डेट्स की बात करूँगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो होगा आपका 22 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक भरा जाएगा। 25 नवंबर शाम 5 बजे तक ये फॉर्म भरेगा। तो लास्ट फी पेमेंट आप कर सकेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे एंड आपको अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू कर रहे हैं तो 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 29 नवंबर शाम तक आपको यहाँ पर फीस भरनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर डेट जो होंगी वो एग्जामिनेशन CBT 1 जो होने वाला है, यानी कि आपका जो Tier 1 होने वाला है उसकी डेट दे रखी है 2 से 11 मार्च 2020 में। एंड एग्जामिनेशन यहाँ पर सब अप टू द टाइम हो रही है, सारी अप टू द मार्क है एंड सभी स्केड्यूल जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हो जा रही है। तो ये भी यहाँ पर 99% चांसेस है कि 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक यहाँ एग्ज़ाम कवर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ जो Tier 2 की है वो भी बता रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर 22 जून को आपका Tier 2 हो जाएगा एंड साथ में यहाँ Tier 3 एक्स्ट्रा भी है। तो Tier 3 जो होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर होगा जिसमें ऐसे राइटिंग ये सब होता है, तो इसलिए Tier 3 के लिए यहाँ पर 3 दिन दिए गए। तो 25 जून तक यहाँ पर आपका Tier 3 भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है एंड ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अलग से हैं, DV के साथ होंगी, तो वो चीज़ें सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। तो किस तरह से यहाँ पर आगे चीज़ें हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में इन्होंने बता रखा है क्या क्या पोस्टें होने वाली हैं, यानी आप क्या क्या CGL के अंडर में आती है। ज़रूरी नहीं है सभी पोस्टें आपको मिले, टेंटेटिव वैकेंसी के टाइम आपको पता चलेगा कितनी पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में और कौन सी लेवल की और कौन से पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो ये वैकेंसी जब टेंटेटिव आएंगी जब ही आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पे लेवल 4 दे रखे हैं आपका, पहला 8 पे लेवल 8 दे रखा है, पे लेवल 7, पे लेवल 6 एंड पे लेवल 5। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, सबसे पहले पे लेवल 8 है जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ही चाहता है कि इसी में जाएं। तो यहाँ पर पे लेवल 8 जो है वो है 47,600 से लेकर 151,100 तक सैलरी रेंज। और यहाँ पर आपके नेम वो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। तो ये सभी पोस्ट, दोनों पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। यहाँ पर एज लिमिट आपको यहाँ साइड में दे रखी है, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनको आप ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर देखिए आपकी नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी यानी PWD वाले होंगे, तो ये आपको दे रखी है इन्होंने क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया के अंदर हों तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे, सुटेबल होंगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई आपकी PWD डिसेबिलिटी है तो उसके अलावा वाले यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकेंगे। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रूर देखिएगा आप लोग अगर PWD में आते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज दे रखी है किस मिनिस्ट्री में कौन सी एग्ज़ाम सॉरी पोस्ट है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री CAG के अंडर में याली हैं दोनों पोस्ट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पे लेवल 7 जो है वो 44,900 से लेकर 142,400 के बीच में सैलरी रेंज है और यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जो होंगी आपके अराउंड 50,000 के बीच में पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट आपको देखेंगे, सबसे पहले ASO है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये ASO अलग अलग डिपार्टमेंट में, देखिए ASO आपका सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में भी होगा, IB में भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी है एंड AFHQ डिपार्टमेंट में भी है। सभी की आई थिंक एज लिमिट सभी की 20 से 30 इयर्स की दे रखी है एंड यहाँ पर PWD की भी अलग अलग आपके बता रखे हैं, ये अप्लाई कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट जो होंगे असिस्टेंट की 2 पोस्टें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो अदर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बता रखा है यहाँ पर, अदर मिनिस्ट्रीज़ के, तो इसकी भी एक में है 18 से 30 इयर्स, तो यहाँ पर 18-19 ईयर्स वाले भी भर सकेंगे, 18 वाले भी भर सकेंगे, और यहाँ पर एक में है 20 से 30 इयर्स, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक और ASO की पोस्ट यहाँ पर बता रखी है अदर मिनिस्ट्रीज़ में सभी, तो इसमें भी एक्सीडिंग 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर CBDT डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज CBIC, 2 ये पोस्ट और होती है ग्रुप सी के अंडर, इसमें भी 30 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोला गया। इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर, ये भी एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, और यहाँ पर फिजिकल वाले डिसेबिलिटी वाले यहाँ पर कैटेगरीज बता रखी है कि ये अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो हम देखेंगे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर,
इसके बाद है सब इंस्पेक्टर, इसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट एंड इसके बाद जो है इंस्पेक्टर। तो ये सभी अलग डिपार्टमेंट, देखिए एक इंस्पेक्टर पोस्ट 17 वाला डिपार्टमेंट हो पोस्ट में, 18 वाला जो है सीबी आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है एंड आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में है सब इंस्पेक्टर 16 नंबर की पोस्ट जो है। यहाँ पर रेंज दे रखी है आपको, अलग अलग रेंज आप देख सकेंगे, तो यहाँ पर रेंज अलग अलग बता, एज लिमिट की रेंज यहाँ पर बता रखी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसके बाद अब नेक्स्ट अब यहाँ पर जाते हैं लेवल 6 की बात। तो यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में सैलरी रेंज है। यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, डिविजनल ऑफिस अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर, नेक्स्ट आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO। इसके लिए टीयर टू में एक एक्स्ट्रा एग्जाम होगी, वो आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ऑफिसर जो है JSO, उसके लिए अलग एग्जाम आपकी होने वाली है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू जो है, इसके भी आगे बताऊंगा सारी डिटेल। यहाँ पर एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स दे रखी है JSO में एंड इसमें 30 ईयर्स एक्स्ट्रा दे रखी है अपमोस्ट आपकी जो एज लिमिट। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू की पोस्ट एंड यहाँ पर JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो ये आपकी हो गई। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट वाला जो लेवल होने वाला है वो पे लेवल 5 होगा, जिसकी 29,200 से लेकर 92,300 की होंगी। ये ग्रेड ग्रुप सी के अंदर ही आती है सब। इसमें ऑडिटर्स होंगे, ऑडिटर 3 डिपार्टमेंट देखेंगे, ऑफिसर अंडर CAG, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिसर अंडर CGDA। यहाँ 18 से 27 साल की एज लिमिट दे रखी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 30 साल तक नहीं है। एंड आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है, वो भी चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ऑडिटर है, ऑफिसर्स अंडर CGDA, अकाउंटेंट है, उसके बाद अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पर अलग मिनिस्ट्री में दे रखे हैं। पे लेवल 4 की बात करूँ तो 25,500 से लेकर 81,100 की यहाँ पर सैलरी रेंज दे रखी है। इसमें देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट जो है वो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिविजनल क्लर्क, UDC जो होते हैं इनके बारे में यहाँ पे 18 से 27 साल यहाँ पर भी एज दे रखी है, तो ग्रुप सी के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको तो फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है। इसके साथ आपको बताऊँ तो ये दो जो चीज़ें हैं ये बॉर्डर रोड में है, तो बॉर्डर रोड में है, और एक ये वाली जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो इसमें PWD वाले नहीं भर पाएंगे सिर्फ दो पोस्टों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ सुटेबल नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब में भर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है। चलिए तो ये चीज़ें हो गई पोस्ट के बारे में डिटेल, और इसके बाद मैं बताऊँ आगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट्स एंड रिलैक्सेशन। एज लिमिट जो दे रखी है 1/1/2020 तक काउंट होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग थी उसके लिए अपर और लोअर लिमिट यहाँ पर बता रखी है, तो ध्यान रखिएगा अपर लोअर लिमिट के बारे में भी। यहाँ पर 2 जनवरी की बात यहाँ पर रखी गई है लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट की बात करें तो अपर यहाँ पर 1 जनवरी की बात रखी गई है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों की। तो इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन बता रखा अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने कितने साल का आपको मिलने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है एक स्कीम जो होगी एग्जामिनेशन की, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट सारे नीचे दे रखे हैं आपको, अलग अलग सर्टिफिकेट्स के बारे में जो भी होगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं, तो सभी चीज़ों के सर्टिफिकेट नीचे दे रखे हैं। चलिए यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो, तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आपको ये भी बोला गया है कि 1/1/2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी आपके इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर पहली बात करो तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे वो होंगी, उनकी होगी या तो फिर पहली तो चीज़ उनकी होगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई सी भी बैचलर डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन यानी। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद बैचलर डिग्री के बाद, इसके बाद जो आपकी बात डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो डिज़ायरेबल चीज़ों में देखिए क्या क्या मांगा गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये होगी तो और अच्छी बात है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है सिर्फ इसी पोस्ट में। फिर देखिए बात नेक्स्ट बात करेंगे JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है उसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपके बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, तो डिग्री लेवल जो होगी आपका, डिग्री जो आपकी होगी लेवल पे एक आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए
ठीक है, या फिर आपका ऊपर जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है किसी भी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ आपका 60% मैथमेटिक्स पे होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड लेवल पे, तो ये JSO की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बता हुआ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू की जो है, तो यहाँ पे बोला गया बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, इसके साथ द कैंडिडेट बस स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो ये चीज़ें आपकी SIG की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू की। यहाँ पे इसके अलावा जो ऑल अदर पोस्ट है, सभी अदर पोस्ट जिसके अलावा जितनी भी आती है उसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो ये मांगा गया है अदर पोस्ट के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीन पोस्टों के लिए अलग रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दी, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो ऑल अदर पोस्ट हैं उन सब के लिए अप्लाई कर सकेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए आपकी कब तक, 1 जनवरी 2020 तक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सेंटर्स अभी दे रखे हैं, सेंटर की बात कर रखी थी, कैसे अप्लाई करना है वो बात करी थी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, Tier 4 तक आपको जाना है, पहला होगा Tier 1 CBE होगा, Tier 2 भी CBE होगा, Tier 3 पेन एंड पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसा मैंने बताया, ऐसे राइटिंग वगैरह होता है उसमें, Tier 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इसके साथ डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये Tier 4 के अंडर आता है। तो देखिए पहले Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, Tier 2 में कौन कौन सी एग्जाम देनी वो आपको मैं बताऊंगा, एंड इसके बाद Tier 1 एंड Tier 2 के एग्रीगेट मार्क्स के अकॉर्डिंग आप Tier 3 के अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी भी Tier 2 में, अगर जैसे Tier 1 आपका क्लियर है, Tier 2 में अगर आप क्लियर नहीं होते हैं एंड एग्रीगेट मार्क्स में अगर आप Tier 3 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर Tier 2 भी आपका क्लियर होगा, क्वालिफाई होगा, Tier 1 भी होगा, दोनों के फिर एग्रीगेट मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको Tier 3 के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो दोनों Tier क्वालिफाई भी होने ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ जो आपके एग्रीगेट मार्क्स से आप Tier 3 में आएंगे एंड फिर Tier 3 के जो Tier 1 Tier 2 एंड Tier 3 के बाद जो एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे उसके लिए फाइनल आपको मेरिट बनेगी, एंड अगर जो Tier 4 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा तो आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो आप नहीं दे पाएंगे, आगे क्या प्रोसेस में आप हिस्सा नहीं हो पाएंगे एंड मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, तो आपको Tier 4 भी क्वालिफाई करना है, जो जो डिपार्टमेंट के लिए मांगी गई है सब चीज़ें आपको क्वालिफाई करनी होंगी। तो चलिए ये चीज़ थी इन शॉर्ट, एंड आपका नेगेटिव मार्किंग हो ये सब चीज़ें तो वही आपकी होती है जो SSC में होती है, चीज़ तो मुझे बतानी नहीं चाहिए, एंड आपके जो आंसर कीज आएंगी 100 रुपीज़ में ऑब्जेक्शन होंगे, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी रखी है। चलिए स्कीम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले Tier 1 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन होने वाले हैं, इंग्लिश होने वाला है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा एंड रीजनिंग होगा, ये 4 चीज़ें जो होती है हर बार। 25 क्वेश्चंस होंगे, 50-50 मार्क्स के होने वाले हैं नंबर क्वेश्चन, तो 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा एंड 60 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड एक्स्ट्रा आपको जो स्क्राइब वाले होंगे उनको मिलेंगे 1 आवर 20 मिनट्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बता रखा है सारी चीज़ें, 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि होती है SSC में 1/4। Tier 2 अब ये क्वालिफाई करने के बाद Tier 2 में जाएंगे, अब Tier 2 में जाएंगे तो वहाँ पर पेपर 1 आपका होगा क्वांटिटी एबिलिटी, सेकंड जो पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है 100 क्वेश्चन आपका क्वांटिटी में से आएगा, आपका इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स के दोनों होने, 120 मिनट्स आपको एक एक पेपर के लिए मिलेंगे। साथ में जो पेपर 3 है जो मैंने बताया था JSO के लिए होने वाला है स्टैटिस्टिक्स वाला, ये 100 क्वेश्चन वाला 200 मार्क्स का ये अलग से होगा उनके लिए जो JSO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड जो आपका पेपर 4 है जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का एंड 2 आवर्स के लिए आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। तो ये चीज़ें होने वाली है, एक और आपके जो पोस्ट इनके अंडर में आएगी जो पेपर 4 देंगी वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 तो सभी को देना है, एंड पेपर 3 किस पोस्ट को देना है वो भी बताऊँगा, एंड पेपर 4 किस पोस्ट को देना है वो भी बताऊँगा। तो चलिए देखेंगे आगे हम इसके बाद, यहाँ पर जो आपका पेपर 3 जिस जिसको देना है वो बता देता हूँ। तो देखिए पेपर 3 जो आपको देना है वो देखेंगे आप, तो यहाँ पर JSO वालों को देना है, ओके तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंड यहाँ पर ये बता रखा है देखिए पेपर 3 फॉर Tier 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो JSIG वाले भी होंगे, JSO वाले दोनों को ये पेपर एक्स्ट्रा देना होगा। अगर हम पेपर 4 की बात करें जो मैंने आपने देखा था जनरल स्टडीज़ का, तो Tier 2 में जो पेपर 4 है वही लोग देंगे जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो पे लेवल 8 वाली पोस्टें थी उनके लिए जो होंगे वो पेपर 4 देंगे, तो वो पेपर 3 नहीं देंगे, पेपर 1 एंड 2 सबके लिए, पेपर 3 JSO एंड SIG के लिए, एंड पेपर 4 जो है वो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वालों के लिए एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर
प्रोफेसर वालों के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्कीम ऑफ टीयर थ्री, तो टीयर थ्री जो होने वाली है वो है पेन एंड पेपर मोड होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, एंड राइटिंग ऑफ ऐसे होगा, प्रिसाइज लेटर होंगे, एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होंगे, 100 मार्क्स का ये होने वाला है, एंड यहाँ पर टाइम अलाउड दे रखा है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में आपको ये करना है। चलिए, इन तीनों के टीयरों के कम एग्रीगेट मार्क्स से आपको मेरिट आएगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा टीयर फोर के लिए स्किल टेस्ट के लिए। इसमें होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री टेस्ट, ये आपको कंडक्ट होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिली हैं, इंडिकेटिव सिलेबस आपका अलग अलग टीयर्स के लिए अलग अलग, देखिए सभी पेपर के लिए सिलेबस आपको मिल जाएगा, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस आपको दे रखा है, उसके बाद डीवी के बारे में बता रखा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है डीवी की, ये तो बहुत टाइम है भी, तो इसमें अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने पॉइंट आउट कर रखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थिंक सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पर ब्लैक में मार्क्ड होती हैं, तो वो चीज़ आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट, बाकी तो फॉर्म फिलिंग कीजिए, एंड ये सर्टिफिकेट नीचे सारे दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ अगर पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, सारे सर्टिफिकेट्स आपको नीचे मिल जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेगी फिज़िकल टेस्ट के बारे में और सभी चीज़ों में डिटेल में, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ पोस्टेज बीआर वगैरह में फिज़िकल टेस्ट वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे दे रखी है। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई होगी, कुछ बचता है तो नेक्स्ट टाइम मैं कवर कर दूंगा, और नहीं तो आप लोग पूछ लीजिएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एडअप करता हूँ, तो इसको एग्ज़ाम पर जो एक सीजीएल देना चाहता है तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, एंड जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है पर वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, ऐसा नहीं कि अगले बार के लिए ट्राई करें, पहले भर के देखिए, अगर तैयारी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो ज़रूर फॉर्म भरिए। जो भी चाहते हैं नॉन टेक्निकल और इन डिपार्टमेंट में जाना, काफ़ी अच्छे लेवल की डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो ज़रूर आप जाइए, और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस वीडियो को यहीं एडअप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में, जब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।